हे फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज पे। गाइस, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक धमाकेदार मूवी फॉल। सो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बैगी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि माउंटेन क्लाइंबर है। बैगी की नई नई शादी हुई है डैन से, वो भी माउंटेन क्लाइंबर है। वो दोनों पहाड़ों पर चढ़ रहे थे। बैगी के साथ उसकी फ्रेंड भी होती है। जब डैन ऊपर की तरफ जा रहा था तो उसे एक घोंसला दिखाई देता है। जब वो उसके अंदर हाथ डालता है तो उसके अंदर वाला पक्षी उड़ जाता है, जिससे डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो रस्सी से बंधा हुआ था इसलिए वो हवा में लटक गया। बैगी और उसकी फ्रेंड डैन को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं और तभी उसकी रस्सी का क्लिप निकल जाता है, जिस वजह से डैन नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे के 51 दिनों के बाद हम बैगी को देखते हैं जो कि पूरी तरह शराब के नशे में डूब चुकी है। वो डैन को बहुत याद करती है और अब तक उसने उसकी अस्थियों को विसर्जित नहीं किया। उसकी अस्थियां अब भी उसने संभाल कर रखी हुई हैं। बैगी बहुत उदास रहती है। एक दिन बैगी की दोस्त हंटर उसे मिलने आती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होती हैं। जब हंटर को पता चलता है कि बैगी ने अपनी जान लेने की कोशिश की है तो वो उसे कहती है कि हमें एक बार फिर से क्लाइंबिंग करनी चाहिए। हंटर अपने फोन पर उसे एक टावर दिखाती है। ये टावर एक अलग जगह पर होता है जहां पर इंसान कम ही जाते हैं। इस टावर की ऊंचाई 2000 फीट थी। बैगी वहां जाने से मना कर देती है, लेकिन हंटर उसे कहती है कि टावर के ऊपर चढ़ने के बाद तुम डैन की राख को वहां से उड़ा देना, इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये सुन के बैगी मान जाती है। फिर ये दोनों टावर वाली जगह पर पहुंच जाती हैं, जहां पर ये दोनों फोटो क्लिक कर रहे थे और वीडियोस बना रहे थे। हंटर इन फोटो और वीडियोस को इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देती है। फिर ये दोनों टावर के बिल्कुल सामने पहुंच जाती हैं, जो आसमान की गहराइयों के अंदर तक जा रहा था। इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। ऊपर जाने से पहले इन दोनों को काफी डर लग रहा था, क्योंकि आज से पहले इन दोनों ने इतनी ऊंचाई तक चढ़ने की कभी कोशिश नहीं की थी। फिर ये दोनों धीरे धीरे से ऊपर चढ़ना शुरू कर देती हैं। बैगी को ऊपर जाते वक्त काफी डर लग रहा था, क्योंकि इस टावर का लोहा काफी पुराना था, जिसकी आवाज बैगी को सुन रही थी। जब ये आधे टावर तक पहुंच जाती हैं, तब इन्हें एहसास होता है कि ऊपर हवाएं बहुत तेज हैं। ये ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि जैसे आईफेल टावर की। जब बैगी नीचे देखती है तो उसे डर ज्यादा लगने लगता है, क्योंकि उसने पिछले एक साल से क्लाइंबिंग नहीं की थी। जब ये ऊपर पहुंचने ही वाले थे, जब बैगी सीढ़ी पर पैर रखती है तो वहां का एक स्क्रू खुलकर नीचे गिर जाता है, जिसके बारे में उन्हें बिल्कुल खबर नहीं थी। अब ये दोनों टावर के टॉप तक पहुंच चुकी थी, यानी के 2000 फीट पे पहुंच चुकी थी, जहां से इन्हें दुनिया बिल्कुल अलग दिख रही थी। इस टारगेट को अचीव करने के बाद अब बैगी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये दोनों ऊपर बहुत एंजॉय करती हैं, बहुत सारी पिक्स क्लिक करती हैं। हंटर अपने साथ एक ड्रोन भी लेकर आई थी, जिससे वो अपनी वीडियोस बनाते हैं ताकि इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकें। ये दोनों बहुत ही खुश थी। हंटर इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि वो टावर से लटक जाती है और बैगी को अपनी पिक क्लिक करने को कहती है। फिर वो बैगी को भी ऐसा करने को कहती है। इसके बाद बैगी बहुत इमोशनल हो जाती है और डैन की राख को हवा से उड़ा देती है। फिर ये दोनों बहुत ही इमोशनल हो जाती हैं, लेकिन बैगी ने डैन को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है और वो अपनी लाइफ की शुरुआत एक बार फिर से करेगी। अब ये दोनों अपना सामान पैक कर नीचे जाने की तैयारी करने लगते हैं। सबसे पहले बैगी नीचे जाने लगती है, लेकिन तभी वो स्क्रू जो नीचे गिर गया था वहां से वो सीढ़ी टूट जाती है। बैगी रस्सी की वजह से हवा में लटक जाती है। हंटर उसे वापस ऊपर खींच लेती है, लेकिन इनके खाने पीने का सामान जिस बैग में था वो नीचे डिश पर अटक जाता है, जहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। फिर ये दोनों अपने फोन्स को चेक करती हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर इन्हें नेटवर्क नहीं मिलता। अब ये दोनों 2000 फीट की ऊंचाई पर फंस चुकी थी। यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था, और अगर यहाँ पर कोई होता भी तो इन दोनों की आवाज बिल्कुल नहीं सुन सकता था। हंटर के पास एक फ्लेयर गन थी और एक दूरबीन भी, लेकिन दिन में फ्लेयर गन का इस्तेमाल करने का कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि फ्लेयर गन को दिन में कोई भी नहीं देख पाएगा। जब ये दूरबीन से देखते हैं तो सामने इन्हें एक गाड़ी नजर आती है, लेकिन वो लोग इन दोनों को इतनी ऊंचाई से नहीं देख पाएंगे, ना ही इनकी आवाज सुन सकते थे। इसके बाद हंटर अपना फोन चेक करती है, जो उसने फोटोज इंस्टाग्राम पे पाए थे उन पर काफी
लाइक्स और कमेंट्स आए हुए थे, यानी के टावर पर कहीं ना कहीं नेटवर्क है। फिर ये फोन पर अपनी हेल्प के लिए एक मैसेज डालते हैं और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देती हैं। फिर एक रस्सी से अपना फोन बांधकर नीचे लटकाते हैं ताकि नेटवर्क आ सके और उनका मैसेज पोस्ट हो सके, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर हंटर अपने फोन को सॉक्स के अंदर डालकर अपने शूज के अंदर डाल देती है और ऊपर से नीचे फेंक देती है ताकि नीचे गिरने के बाद उनका मैसेज चला जाए और उनकी हेल्प हो सके। कुछ देर बाद अपनी दूरबीन से ये नीचे देखती हैं, जहाँ पर इन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो कि अपने फोन पर बात कर रहा था और उसके साथ उसका एक डॉग भी था, लेकिन वो आदमी ना तो इतनी ऊपर देख सकता है और ना इनकी आवाज को सुन सकता था। उस आदमी को अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाने के लिए ये दूसरे शूज को भी नीचे फेंक देती हैं। वो आदमी शू को देख लेता है, लेकिन वो समझता है कि ये शू पहले से ही वहाँ पर मौजूद था। फिर वो आदमी अपने डॉग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी बेगी फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करती है, लेकिन हंटर उसे रोक लेती है और कहती है कि हमें रात होने का इंतजार करना होगा। कुछ देर बाद अंधेरा हो जाता है और ये दोनों फ्लेयर गन को चलाते हैं और अपने फोन की टॉर्च को ऑन कर अपने हाथ से हिलाना शुरू कर देते हैं। इनके सामने जो गाड़ी होती है वो लोग उन्हें देख लेते हैं, लेकिन वो लोग इनकी मदद करने के लिए नहीं आते बल्कि इनकी गाड़ी को चुरा कर ले जाते हैं, जिससे ये दोनों बहुत उदास हो जाती हैं। जैसे जैसे रात होती जाती है इन दोनों को नींद आने लगती है। हंटर ऊपर से गिरने वाली थी कि बेगी उसे पकड़ लेती है। तभी बेगी हंटर के पैर पर एक टैटू देखती है जिस पर लिखा था 143। ये देखकर बेगी बहुत हैरान होती है क्योंकि उसका हस्बैंड डैन उसे कोड वर्ड में आई लव यू कहता था, यानी कि 143। तभी बेगी समझ जाती है कि डैन और हंटर के बीच कुछ ना कुछ जरूर था और जब वो हंटर से पूछती है तो हंटर भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। हंटर उससे माफी भी मांगती है, लेकिन बेगी पूरी तरह से निराश हो चुकी थी। बेगी की नजर डिश पर टंगे बैग पर पड़ती है जिसमें उन लोगों का खाने पीने का सामान और ड्रोन था, और किसी भी कीमत पर इन लोगों को उस बैग को ऊपर लाना ही होगा, लेकिन वहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं थी इसलिए उस बैग तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल था। फिर हंटर रस्सी की मदद से नीचे जाना शुरू कर देती है। फिर हंटर जंप लगाकर डिश तक पहुँच जाती है। उसे बैग तो मिल जाता है लेकिन रस्सी उससे बहुत दूर होती है। हंटर सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी में अटकाती है और फिर खुद भी जंप मारकर रस्सी को पकड़ लेती है, लेकिन रस्सी द्वारा ऊपर जाना बहुत मुश्किल था जिससे हंटर के हाथ भी जख्मी हो गए। हंटर से रस्सी छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। जब बेगी नीचे देखती है तो हंटर अभी भी रस्सी से लटकी हुई थी और बेगी उसे रस्सी के साथ ही ऊपर खींच लेती है। अब इन दोनों के पास ड्रोन होता है। फिर ये एक पेपर के ऊपर लिखते हैं कि हम टावर के ऊपर फंस चुके हैं, हमें हेल्प चाहिए, और उसे ड्रोन के साथ अटैच कर देते हैं। जब ये ड्रोन को उड़ाते हैं तो ड्रोन ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता क्योंकि उसकी बैटरी खत्म थी, इसलिए ये ड्रोन को वापस बुला लेते हैं। जब रात होती है तो बेगी देखती है कि टावर के टॉप पर एक लाइट जग रही है जिससे उसे पता चलता है कि वहाँ पर करंट है। वो किसी भी तरह कर ऊपर चली जाती है और ड्रोन को चार्ज करती है। इस तरह वो ड्रोन को चार्ज कर नीचे आ जाती है। फिर ये उस चिट को ड्रोन पर लगाकर उड़ाते हैं और उस घर की तरफ भेजते हैं जो सामने दिख रहा था, लेकिन इससे पहले ड्रोन घर तक पहुंचता वो पहले एक गाड़ी से टकरा जाता है और टूट जाता है कि आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। अब इन्हें कोई भी उम्मीद नहीं थी कि कोई उन्हें बचा पाएगा। बेगी की हालत बहुत खराब हो जाती है। फिर बेगी हंटर को कहती है कि तुम मुझे अपना शू दो, मैं फिर से उसमें फोन डालकर अपने डैड को मैसेज सेंड करती हूँ। इस बार हो सकता है कि मेरे डैड को मैसेज मिल जाए, लेकिन हंटर उसे मना कर देती है। और तभी बेगी को एहसास होता है कि हंटर उसके साथ है ही नहीं, क्योंकि जब हंटर से रस्सी छूट गई थी तो नीचे गिरने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी और अब भी उसकी बॉडी उसी डिश के ऊपर थी। असल में बेगी उसे इमेजिनेशन ही कर रही थी और अब उसे पता चल गया है कि वो इस टावर के ऊपर अकेली है। उसे जीने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इसलिए वो अपने डैड के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है, लेकिन मैसेज वहां से डिलीवर नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर नेटवर्क नहीं है। अगली सुबह वो हंटर की बॉडी तक नीचे पहुंचती है। फिर वो हंटर के शू के अंदर अपने मोबाइल को रखती है और उसे हंटर की बॉडी के साथ फिक्स कर देती है। वो हंटर को सॉरी कहते हुए उसकी बॉडी को नीचे फेंक देती है।
पिछली बार जब शू में फोन को डालकर इन्होंने नीचे फेंका था तो वो डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से इनका मैसेज डिलीवर नहीं हुआ था। लेकिन इस बार शू के अंदर फोन को डालकर उसकी बॉडी के साथ अटैच कर उसने नीचे फेंका है, इसलिए शायद इस बार ये मैसेज डिलीवर हो जाए। दरअसल टावर के ऊपर सिग्नल ना आने का एक ये भी कारण होता है क्योंकि इसके अपने काफी सिग्नल होते हैं और इसीलिए बाकी सिग्नल्स को ये ब्लॉक कर देता है। बेगी जब हंटर की लाश को नीचे फेंकती है तो जिस डिश पर वो बैठी होती है वो डिश हिलने लग जाती है, जिससे बेगी बहुत घबरा जाती है। दूसरी तरफ हम बेगी के फादर को देखते हैं जो कि बेगी को ढूंढते ढूंढते उस टावर तक पहुंच जाते हैं और वहां पे पुलिस थी जो कि छानबीन कर रही थी। बेगी के फादर हंटर की लाश को देखकर घबरा जाते हैं और रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बेगी की लाश है, लेकिन बेगी उनके पीछे खड़ी होती है। वो बेगी को मिलते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं और इस तरह से बेगी की जान बच जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। जिसके बारे में आपकी क्या राय बनती है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।